नमस्कार, आज 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र में सब कुछ रहेगा बंद। जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, साथ ही साथ मुंबई लोकल ट्रेन के आज के अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र सरकार आज 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र बंद से हम यह बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार हिंसा में मारे गए किसानों और उनके परिवारों के साथ हैं। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ देश के लोगों को जगाना जरूरी हो गया। उन्होंने कहा कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई में किसान अकेला नहीं है, महाराष्ट्र सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के तीनों गठबंधन दल महाराष्ट्र बंद में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेगी। महाराष्ट्र बंद में सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी, जैसे अस्पताल, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर, दूध सप्लाई में बाधा न डालने की भी अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बंद के दौरान कृषि उपज मंडी समिति को बंद रखने का फैसला किया है। वहीं छत्रपति शिवाजी मार्केट यार्ड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने घोषणा की है कि सोमवार को सभी फल सब्जी प्याज आलू बाजार बंद रहेंगे। व्यापारी संघ ने भी सभी सदस्यों से सोमवार को अपना व्यापार बंद रखने की अपील की है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे सोमवार को अपने कृषि उपज मंडी में न लाएं। वहीं राज्य भाजपा इकाई ने महाराष्ट्र बंद की निंदा की है। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार लखीमपुर खीरी मामले को राजनीतिक रंग देना चाहती है। महाराष्ट्र बंद का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। लोकल ट्रेन और यातायात के साधनों पर भी देखने को असर मिल रहा है। अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर न निकले। दोस्तों, महाराष्ट्र बंद पर आपका क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताज़ा खबरें पाने के लिए जुड़े रहिए एसपी अपडेट के साथ में। अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।